लाइट बंद कर दे बेटिया। अगर आप ये जान जाएंगे कि आपके इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को एफिशिएंटली कैसे यूज करना है तो आप हर महीने बहुत सारा पैसा सेव कर पाएंगे। और बात सिर्फ आपके पैसों की भी नहीं है, बात है हमारी एनवायरनमेंट की भी। जब आप अपने एनर्जी यूजेस को लिमिट कर देते हैं तब आप कार्बन की एमिशंस को भी घटा देते हैं, जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट सीधा अपने वातावरण के ऊपर पड़ता है। मैं अपने पिछले वीडियो में 10 ऐसे टिप्स के बारे में बात किया था जो मदद करता है हमारे मंथली सेविंग्स बढ़ाने में। उनमें से एक पॉइंट ये भी था कि हर किसी को अपना इलेक्ट्रिक बिल घटाना चाहिए ताकि वो अपना मंथली सेविंग्स बढ़ा सके। अगर मंथली सेविंग्स बढ़ाने का आप बाकी 9 पॉइंट भी जानना चाहते हैं तब आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर कार्ड में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एकदम लास्ट पे एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। अभी वापस आते हैं हमारे आज के वीडियो में और बात करते हैं 5 ऐसे टिप्स के बारे में जो आपको मदद करेगा आपके इलेक्ट्रिक बिल को घटाने में। इससे आपकी सिर्फ सेविंग्स ही नहीं बढ़ेगा बल्कि साथ में एनवायरमेंट के ऊपर भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और वीडियो के एकदम अंत में मैं आपसे 2 बोनस टिप्स भी शेयर करूंगा, तो आप बस बने रहिए वीडियो के अंत तक क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आबिर और आप देख रहे हैं लाइव वीड, जहां लाइफ को ऑसम बनाने वाली ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो हम हर हफ्ते लाते हैं आपके लिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और हमारा एक भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा दीजिए और ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए। भाई फटाफट शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो और बात करते हैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो आपको मदद करेगा आपके इलेक्ट्रिक बिल को घटाने में। वीडियो के शुरू में आपने देखा ना कि देवोलीना ने वॉशरूम से निकल के लाइट को ऑफ नहीं की थी। कहीं आप में ऐसा हैबिट तो नहीं है ना? अगर है तो उसे चेंज कर लीजिए। अगर आप इस हैबिट को चेंज नहीं करेंगे तो आप हर महीने उन चीज़ों के लिए भी पे करेंगे जिनको आपने यूज़ ही नहीं किया होगा। तो जिस भी डिवाइस को आप यूज़ नहीं कर रहे हैं उसे बंद कर दीजिए। जब आप वॉशरूम से निकलते हैं तब हो सकता है कि आपका हाथ भीगा हो, तो उस वक्त आप अपने एल्बो को यूज़ करके लाइट को ऑफ कर सकते हैं। इस तरह से आप इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स के चांसेस को भी घटा पाएंगे। हम अपने घर में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो कि फंक्शनल तो है मगर एफिशिएंट नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आप बल्ब्स को ही ले लीजिए। ये बात तो हर कोई जानता है कि एलईडी बल्ब्स रेगुलर बल्ब के मुकाबले कम एनर्जी कंज्यूम करता है और ज़्यादा ब्राइट लाइट प्रोवाइड करता है, और एलईडी बल्ब का लाइफ स्पैन भी रेगुलर बल्ब से ज़्यादा होता है। मगर फिर भी बहुत से लोग हैं जो कि एलईडी बल्ब को छोड़कर रेगुलर बल्ब्स को खरीद लेते हैं। इनका 2 ही वजह हो सकता है, एक तो उसे दुकान से गलत एडवाइस मिलता है या फिर उसे ये लगता है कि एलईडी बल्ब का इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, एलईडी बल्ब का इंस्टॉलेशन एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप एक एलईडी बल्ब को एक बार ही लगाएंगे और सालों तक उसे यूज़ करेंगे, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एलईडी बल्ब इज़ वर्थ बाइंग। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, आप कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसका एनर्जी रेटिंग या फिर स्टार रेटिंग एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। किसी प्रोडक्ट का स्टार रेटिंग जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होगा। तो कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप उसका स्टार रेटिंग एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए, फिर चाहे वो फ्रिज हो या फिर वॉशिंग मशीन या फिर एसी। अगर आप किसी प्रोडक्ट का स्टार रेटिंग चेक करके उसे खरीदेंगे तो आप एक एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट खरीद पाएंगे। हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस है उनमें से सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है हमारा एसी। तो इसीलिए एसी खरीदने से पहले आपको बहुत कुछ ध्यान में रखना चाहिए, खास करके उसका BEE स्टार लेवल। मगर बात सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है दोस्तों, हर साल आपको अपने एसी का मेंटेनेंस करना चाहिए। एसी मेंटेनेंस बस आपके एसी का लाइफ स्पैन को बढ़ाता नहीं है बल्कि साथ में ये भी इंश्योर करता है कि ये कम पावर कंज्यूम करके अच्छा कूलिंग प्रोवाइड करे। हाल ही में मैं इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल पढ़ रहा था जहाँ पे मुझे ये पता चला कि हमारे पूरे घर का जो इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन है उसका 15% कंट्रीब्यूशन फ्रिज से आता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हम हर महीने जितने भी अमाउंट का बिल पे करते हैं उसका एक ह्यूज अमाउंट फ्रिज का होता है। अब अपने फ्रिज को ऐसी जगह पर मत रखिए जहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट उसके ऊपर पड़ता हो।
साथ में उसे ऐसे प्रोडक्ट के बाजू में मत रखिए जो कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता हो। ये दो सिंपल ट्रिक्स यूज करके आप अपने फ्रिज को बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट बना पाएंगे। आपके घर को वेदराइज करके आप एयर लीकेज को रोक सकते हैं। हमारे घर का जो खिड़की, दरवाज़ा और वेंट्स होता है वह से ही एयर लीक होता है। तो आप अपने विंडोज और डोर्स को वेदर प्रूफिंग करके और बाकी गैप्स को भी सील करके आप एयर की लीकेज को रोक पाएंगे। इससे आप अपने एसी या फिर रूम हीटर का इस्तेमाल कम किए बिना ही एक सूदिंग इनहाउस एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे। ये आपको इलेक्ट्रिक बिल घटाने में भी मदद करेगा। अब बात करते हैं उन दो बोनस टिप्स की जो वीडियो के शुरू में मैंने आपको प्रॉमिस किया था। तो सबसे पहला टिप तो यह है कि आप अपने घर के दीवारों को हल्के कलर से पेंट करिए, क्योंकि लाइट कलर कम हीट एब्जॉर्ब करता है। और दूसरी टिप यह है कि आप सोलर पैनल को इस्तेमाल करके अपने इलेक्ट्रिक बिल को अच्छा खासा घटा पाएंगे। मगर ये बात ध्यान में रखिए कि सोलर पैनल के इंस्टॉलेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है और इसके लिए आपको अच्छा खासा जगह भी चाहिए। मगर एक बार आपने सोलर पैनल को इंस्टॉल कर लिया तो फिर आप सालों तक बिना कुछ एक्स्ट्रा पे किए बिना ही अपने इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और अप्लायंसेस को यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों, ये थी वो सारे टिप्स और ट्रिक्स जिन्हें फॉलो करके आप अपने इलेक्ट्रिक बिल्स को घटा सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो, ये हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ में ये भी लिखिएगा कि आपका हर महीने इलेक्ट्रिक बिल कितना आता है। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कॉमेंट का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट का लिंक्स भी दे दिया है, आप उन्हें एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी मैं चलता हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगा अगले हफ्ते एक और नए वीडियो के साथ। अगर ये इंतजार आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अभी चलता हूँ, बाय बाय।